श्रीमती भाग्यलक्ष्मी जी देशकर मैडम, इनके अनुमति से मैं स्वयं डॉक्टर सौ एकता दातारकर इस कार्यक्रम का आरंभ करती हूँ। ये कत्थक नृत्य कार्यशाला ये दो दिनों में 11 और 12 में पूरा संगीतमय वातावरण था। संगीत में गायन, वादन तथा नर्तन, ये तीनों के मेल से संगीत बनता है। ये तीनों का लाभ हमें तीन गुरुओं से मिला है। हमारे गायक अनिरुद्ध जी देशपांडे, श्री वेदांत जी तबला वादक और हमारी जो आज हमें कथक नृत्य के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे। इसके साथ साथ हमारे साथ और भी कलाकार उपस्थित है। डॉक्टर श्री मोहन जी कोड़े जो अमरावती से अपने अतिथि देवो भव। इस कार्यशाला के समापन कार्यक्रम पर आज अतिथि के रूप में उपस्थित सम्माननीय श्रीमती पपिया जी सहा मैडम, इन्हें मैं विनती करती हूँ कि वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। Thank you.
प्रस्तुत करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अतिथियों से विनती करती हूँ कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दियो बताए, अर्थात मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। मन में प्रश्न उठ खड़ा, मैं किसके पहले चरणों में प्रणाम करूं? मन की द्वंद स्थिति दूर होकर केवल एक ही निर्णय उठ खड़ा कि गोविंद की अपेक्षा मुझे गुरु के ही चरणों में पहले प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी तो मेरा अंधकार दूर किया है ताकि मैं गोविंद को पहचान सका। इसलिए पहले स्थान गुरु का। इसके पश्चात प्रस्तुतिकरण है। सभी छोटी छोटी छात्राओं द्वारा सरगम गीत प्रस्तुत हो रहा है। राग भोपाली, ताल त्रिताली। मैं सभी छात्राओं से विनती करती हूँ कि वे मंच पर आकर प्रस्तुतिकरण करें। सरगम गीत Thank you.
इसके पश्चात सभी छात्राओं द्वारा मीनाक्षी दीदी ने सिखाए हुए थोड़े टुकड़े प्रस्तुत होंगे। सभी छात्राओं से विनती करती हूँ जो जो थोड़े टुकड़े करने वाले हैं वो मंच पर आ जाए। Thank you.
Thank you.
सर्वदय से मैं विशेष रूप से उनकी तरफ से हरी कराई।